तो मैं उस टाइम पे सोच चुका था कि भाई ये छोटू तो अब सरवाइव नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर जो भी डॉग है ये अब नहीं रहा। तो भाई मतलब चमत्कार ये मानो अब कि वो छोटू मेरे पास आया और मेरे पास में आके मेरे को ऐसी भोली निगाहों से देख रहा था ना मेरी तरफ ऐसे ऊपर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टोरी स्टोरी व्लॉग वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, आज मैं आप लोगों को छोटू की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आप लोगों को पता नहीं हो छोटू कौन है, तो मैं स्टोरी उसकी वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में डाल दूंगा, यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अपने छोटू लड्डू मियाँ बैठे हैं। तो भाई चलो स्टोरी शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखना भाई, बहुत ही खतरनाक सी स्टोरी है बेचारे छोटे से बच्चे की, जो बाद में बड़ा हुआ और उसे भटकता रहा, है ना, कभी इस घर कभी उस घर, कभी इस गली कभी उस गली। तो भाई उस बेचारे प्यारे से डॉग की आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, और इससे आपको पता चलेगा यार स्ट्रीट डॉग्स की लाइफ कितनी मतलब हार्ड होती है ना। मतलब वो नेचुरली सिलेक्टेड होते हैं तभी जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो चलो भाई स्टोरी शुरू करते। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो भाई कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले। हमारी कॉलोनी में एक ब्लैक कलर की स्ट्रीट डॉग थी, तो उसका नाम था काली, है ना, और वो हर बार पपीज देती थी। तो जितनी भी बार वो पपीज देती थी ना, सारे पपीज कभी कार एक्सीडेंट में, कभी किसी तरीके से, कभी कोई बीमारी से, कभी पार्वो से, तो वो पपीज एक्सपायर हो जाया करते थे, है ना। तो फिर क्या हुआ, तो हर बार की तरह काली ने इस बार भी 6 पपीज़ की डिलीवरी करी थी। 6 पपीज़ उसने दिए थे, और उन पपीज़ के लिए आप मानोगे नहीं यार, मैंने घर के सामने एक छोटा सा ईंटों का छोटा सा उसके लिए डॉग हाउस बनाया था, तैयार किया था, बहुत मेहनत करी थी मैं। मतलब पहले मेरे पास लड्डू तो था नहीं, अप्रैली थी, तो मैं क्या है ना, जितने ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स होते थे ना उनको फीड कराता था, अभी भी कराता हूँ, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कराता था। चलो स्टोरी से दूर नहीं जाते हैं, स्टोरी पे आते हैं वापस। तो भाई मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, उसको मैं दूध रोटी वगैरह खिलाता रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो पपीज धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जैसे हमारी ये पुष्पा बड़ी होती है ना, ये पुष्पा आपको बड़ी होती हुई दिख रही है इसकी पूरी जर्नी। तो वो पपीज़ बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली। तो भाई करते करते वो पपीज़ अप्रॉक्स 10 to 12 days के हो गए थे, इवन उससे भी बड़े हो गए थे शायद वो पपीज़। तो फिर उसके बाद क्या हुआ यार, एक दिन फिर उसके बाद भाई एक दिन क्या हुआ ना, कि हमारे घर में तो कोई त्यौहार था, मतलब राखी का या फिर पता नहीं कौन सा फेस्टिवल तो था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा। और मैं इसी तरीके से जहाँ पर अभी बैठा हूँ ना, इस पर्टिकुलर सोफा पे ऐसे बैठा था नॉर्मली, और अपना फ़ोन चला रहा था, बिल्कुल ऐसे बैठा था भाई जिस पोजीशन में मैं अभी बैठा हूँ। और थोड़ी देर बाद जस्ट बैठे बैठे आफ्टर 5 मिनट्स मेरे को आवाज़ आती है बाहर से एक बहुत ही शार्प हॉर्न की, मतलब कार का एक शार्प हॉर्न आया भाई कानों के अंदर, सीधा आके स्ट्राइक किया भाई। वो हॉर्न आया ना, बस एक चीख की आवाज़ थी, सब बच्चों की चीख एक साथ थी भाई, एक चीख थी वो, बस एक चीख, है ना। और आपको पता है ना स्ट्रीट डॉग्स के पपीज़ को लग जाती है तो वो कैसा चिल्लाते हैं, बट भाई वो पपीज़ तो प्रॉपर चिल्ला भी नहीं पाए, उनको टाइम ही नहीं मिला चिल्लाने का उन्होंने। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ फिर। तो भाई एक चीख की आवाज़ थी, ये मान के चलो आप, जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं ना यार, स्लो मोशन में हो जाती है सारी चीज़ें। मेरे लिए उस टाइम पे सारी चीज़ें स्लो मोशन में हो चुकी थी, जैसे मैं मतलब सारा सब कुछ जो भी फील कर रहा था ना स्लो मोशन में फील कर रहा था। मैं यहाँ से उठा, भागता हुआ गया, इस गेट से निकलता हुआ गया मैं उधर चैनल गेट की तरफ, मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही तेज स्पीड में भागा भाई, और मेरे को लग रहा था सारी चीज़ें, वक्त एकदम थम चुका है मेरे लिए, मतलब बहुत सब कुछ स्लो डाउन हो चुका है। मैं भागता हुआ गया बाहर, बाहर जाकर मैं जैसे ही रोड की तरफ गया और मैंने रोड की तरफ जाकर देखा भाई, मतलब मेरा पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, और ऐसा हुआ मेरे साथ में भाई, मैं वो चीज़ शब्दों में बयान नहीं कर सकता ना, वो जो दृश्य था ना मेरे सामने, वो पर्टिकुलर जो भी सीन था वो बहुत ही मुश्किल था यार मेरे लिए फेस करना। जिन बच्चों को मैं बड़ा कर रहा था, जिन बच्चों को मैंने 2 वीक्स ओल्ड किया, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और एक गाड़ी आती है, वो बच्चे ना, वो फीमेल क्या कर रही थी, सड़क के बीचों बीच एकदम जो अपना रोड रहती है ना घर के बाहर, उसके बीच में बैठी थी, और वो उन 6 पपीज़ को फीडिंग करा रही थी। ठीक है, 6 पपीज़ को फीड करा रही थी वो मिल्क, और वो पपीज़, अब डॉग्स को नॉलेज नहीं होती है यार कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, वो उन पपीज़ को फीड करा रही थी। तो फीड कराते कराते एक गाड़ी वाला आया बहुत ही तेज स्पीड में, फीमेल जो थी ना बड़ी एडल्ट जो थी उनको फीड करा रही थी काली हमारी, तो वो तो उठ के वहाँ से भाग गई एकदम से, और वो जो 6 पपीज़ थे ना वो वहीं पर ही स्टे रह गए, वो वहीं पर, वहाँ वो पपीज़ थे यार, 2 वीक्स पपीज़ में कितना दिमाग होता है ना, कितने उनके सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो वो 2 वीक्स के जो पपीज़ थे वो गाड़ी भाई उन सारे पपीज़ को दबा के निकल गई। ठीक है, मैंने जैसे ही बाहर जाकर देखा ना, तब तक सारे पपीज़
डेड हो चुके थे, ठीक है, एक भी पपी उनमें से सर्वाइव नहीं कर रहा था। मतलब मेरी नज़र थी कि यार एक बच्चा तो बचा होगा, बट 6 में से 5 पपीज़, भाई आप जानते हो स्ट्रीट में फिर जो हादसे होते हैं, जो रोड पे हादसे होते हैं डॉग्स के साथ में, वो क्या सीन रहते हैं, मैं वो सीन बताना नहीं चाहता। उसके बाद तो हमने उस ड्राइवर को पकड़ लिया और उसके साथ जो भी करना था वो किया, उसको बहुत अच्छे खासे भजन सुना। उन पपीज के बीच में एक पपीज है ना, एक पपी जो था ना वो सो रहा था, मतलब वहीं पर ही, और एक पपी वो एकदम से उठा और उठ के भागने लगा, मतलब स्लो, मतलब धीरे धीरे जैसे वॉक करते हैं ना ये, वो पपी वॉक करने लगा स्लोली स्लोली उठ के। और भाई मेरे को लगा ये क्या चमत्कार हो गया यार, मतलब सारे बच्चे एक साथ थे, गाड़ी सारे बच्चों पे से निकली, बट वो जो एक बच्चा था ना वो सर्वाइव कर गया, और वो बच्चा ना मतलब बच गया यार सही में। मतलब ये चीज़ देख के मेरे को लगा यार भगवान भी किस कितनी अच्छी किस्मत देता है ना किसी किसी को, है ना। तो वो पपी सर्वाइव कर गया और वो पपी बच गया, और उस चीज़ को देख के मैं बहुत खुश हुआ भाई। उस पपी को फिर मैंने अगले 1 महीने तक अपने घर में रखा, और उसको घर में रख के मैंने फीडिंग कराई उसको, है ना। वो था हमारा छोटू, जिसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। बट यहाँ पे मुझसे गलती क्या हुई भाई, वो नेचुरली सेलेक्टेड था, वो स्ट्रीट पे रहने के लिए ही बड़ा हुआ था, स्ट्रीट पे ही उसका सारा होना था जो भी था। बट मैंने एज अ, ठीक है, मेरे को लगा यार एक पपी है तो ये भी मतलब बचेगा या नहीं बचेगा, मैं थोड़ा कन्फ्यूज था, तो इसके लिए मैं उसको घर में ले आया अपने, और मैंने घर पे रखा उसको 1 महीने, उसको अच्छा फीडिंग कराई, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई। बट उससे हो क्या गया ना यार, कि वो जो स्ट्रीट डॉग था ना उसकी आदत हो गई पालतू बन के रहने की, ठीक है, वो एक तरीके से पेट डॉग हो गया मेरा। अब उसको मेरे को इन दी एंड तो छोड़ना भारी था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम ऑलरेडी अप्रैल थी, और मेरा आप लोगों को पता है और अदर डॉग लाने का कोई था नहीं उस टाइम पे, कोई भी नहीं था, सोर्स नहीं आया, बस मेरे घर के बाहर ही रहता था, वो घूमता रहता था, आ जाता था, चला जाता था। बट उसकी आदत ऐसी हो गई थी एकदम पालतू बन के रहने की, तो वो जितने भी आसपास में घर थे ना भाई, सबके घरों में चल जाता था और आराम से रहता था, खाता था, पीता था। बट उसी बीच है ना काली ने अगला लीटर हुआ काली का, और वो बच्चे भी बड़े हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चे बड़े होते गए, उनका एक अलग ग्रुप बनता गया, और जो हमारा छोटू था वो अकेला रहता रहा, और वो घरों में रहता था तो वो उनके साथ में शामिल नहीं हो पाया, और वो उनको डोमिनेट नहीं कर पाया, और वो एक अलग ही डॉग रह गया, मतलब वो उनके उनका साथी कभी बन ही नहीं पाया। तो इस ऐसे क्या हुआ ना, फिर जब डॉग्स सारे बड़े हो गए ना 1-1.5 साल बाद, तो वो जो तीनों चारों जो डॉग्स थे ना उनका जो ग्रुप था, वो छोटू को मारा करते थे भाई, उसको पकड़ के मतलब ऐसे बिल्कुल उसको बाइट वाइट कर लेते थे, उसको मतलब अच्छे तरीके से हार्म करते थे, बहुत हार्म किया भाई उस डॉग को। तो फिर वो क्या हुआ ना, वो डरने लग गया भाई ऐसे करते करते। फिर एक दिन क्या हुआ, वो हमारी गली से चला गया, मतलब ये एरिया छोड़ दिया उसने, और एरिया छोड़ के वो दूसरे एरिया में चला गया भाई। फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, ये अपनी दुनिया खुद ही बनाना चाहता है, तो इसको अपन करने देते हैं सर्वाइव इसके हिसाब से। भाई वो दूसरी गली में गया ना जब, तब वहां पर भी जाने के बाद में ना उसके साथ में यही चीज हुई, उसको सारे स्ट्रीट डॉग्स मिलके मतलब मारा करते थे, उसको बाइट किया करते थे, जैसे वो मतलब बस उसकी पूंछ में जब भी निकलता था ना गाड़ी में, उसकी पूंछ हमेशा हिप्स के जो पीछे रहती है ना, अंदर घुसी हुई रहती है डॉग्स में, वैसे ही रहती थी, है ना। तो मैं समझ गया था उस टाइम पे कि यार इस डॉग के साथ में कुछ तो गलत हो रहा है, बट यार जो नेचर है ना उसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो अगर मैं उसको सेफ्टी से रखूंगा, बहुत हर तरीके की फैसिलिटी दूंगा, तो भाई वो कैसे फिर ढलेगा उन परिस्थितियों में, वो कैसे स्ट्रांग बनेगा, वो कैसे सर्वाइव करना सीखेगा। तो ऐसा कुछ हुआ फिर उसके साथ में, फिर वहां से वो फिर दूसरी जगह चला गया, एक और उस एरिया को भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि वहां पे भी उसको मार दिया करते थे लोग, मतलब लोग क्या डॉग्स वगैरह। तो फिर वो दूसरी जगह गया, दूसरी जगह गया तो वहां पे भी उसके साथ यही सारी चीजें होने लगी भाई। वो डॉग मतलब अकेला पड़ गया ना, वो साइज में भी छोटा था, साइज में भी बड़ा नहीं था ना, वो मैटिंग कर पाया कभी, क्योंकि उसको भाई उसका नंबर ही नहीं आता था, क्योंकि बहुत अल्फा डॉग्स रहते हैं ना, बहुत अच्छे लंबे चौड़े स्ट्रीट डॉग्स रहते, तो वो मतलब कभी वो चीज़ वो फील ही नहीं कर पाया, वो फेस ही नहीं कर पाया वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन भाई मेरे को खबर मिली कि जो वो छोटू है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, और शायद वो अब ना जिंदा नहीं है, मेरे को ऐसी खबर मिली। तो भाई मैं यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रहने लग गया था वो, तो मैं उस एरिया में गया ना, वो मेरे को भाई दिखाई नहीं वो। तो भाई फिर मैंने उसके लिए उस दिन क्या करा, मतलब हमारी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे ना सबको मैंने, है ना, ब्रेड वगैरह और जो भी मैं कर सकता था मैंने खिलाया। इसी निकल रहा था गाड़ी लेके, है ना, हमारे वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम का ठेला लगाता है, तो मैं वहीं से निकल रहा था आइसक्रीम खाता हुआ। तो भाई मतलब चमत्कार ये मान लो आप, कि वो छोटू मेरे पास आया और मेरे पास में आके मेरे को ऐसी भोली निगाहों से देख रहा था ना मेरी तरफ, ऐसे ऊपर जैसे डॉग्स देखते हैं, बहुत ही भोली निगाहें थी उसकी, बहुत ही इनोसेंट सा फेस था, और वो टेल वैग कर रहा था, अपनी टेल ऐसे ऐसे हिला रहा था। भाई उसको देख के मेरा दिल इतना खुश हुआ ना, मतलब वो बच्चा अब 3.5-4 साल का हो चुका था,
तो उसको देख के मेरा सही में भाई मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, और मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई और उसको प्यार किया। उसका एक्चुअली पीछे वाला पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, और उसको जो एनिमल रेस्क्यूअर्स होते हैं वो लेके गए थे उसको सही करने के लिए। फिर वापस उन्होंने उसको यहाँ पर छोड़ दिया था भाई। फिर उसको किसी ने अडॉप्ट भी कर लिया था, है ना। ठीक है, वो अब घर में घुसने वाला डॉग था, वो तो पेट डॉग बन चुका था, मैंने उसकी आदत डाल दी थी पेट डॉग की। तो ये शायद मेरी भी गलती है कि मैंने उसको मेरे को उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए थी, बट मेरे को लगा वो सिंगल पपी है तो यार इसको सर्वाइव करवा दूँ मैं। बट अगर वो सर्वाइव करता नहीं करता, वो नेचुरली सिलेक्टेड होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बट फिर क्या हुआ कि उसको किसी और डॉग ने, मतलब किसी और ओनर ने उसको रख लिया, वो किसी के घर के बाहर बैठता था तो उनको बहुत पसंद आता था। फिर भाई वो किराए से रहते थे, वो रेंट से रहते थे, जो जो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया था, मतलब घर के बाहर ही रहता था वो, उनके उसको अच्छा खिलाते पिलाते थे। फिर भाई वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए, तो फिर छोटू फिर से बेचारा वो अकेला हो गया। अब फिर से वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। तो वो जहाँ पर वो घर छोड़ के गए थे ना रहने के लिए, वो उनके साथ वहाँ पे चला गया। अब वो वहाँ पर भी रहता था तो ठीक है, वो कभी इधर इधर जाता, कभी उधर जाता, मतलब उसका कोई घर था ही नहीं, उसका कोई ठिकाना था ही नहीं, और वो इधर का उधर भटकता रहता था, कभी इस गली कभी उस गली, उसके साथ पूरे लाइफ टाइम यही हुआ। फिर अभी कुछ दिन बाद मेरे को लगा था कि चलो ठीक है, अब तो अच्छे से रह रहा है, बट वो वापस मेरे पास आ गया अभी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया। और फिर ये जो स्ट्रीट डॉग्स थे हमारे, ये तीनों चारों, ये फिर उसको मार रहे थे, मतलब फिर उस पर अटैक कर रहे थे। ऐसा हुआ था, वो यहाँ पर एक और अंकल है पास में, उसको रोटी डालते थे तो वो आ गया था भाग के, और फिर उनके रैंप के वहीं बैठा था, और अप्रैल ने उसको देख लिया। अभी अप्रैल को तो बिल्कुल कोई अदर डॉग पसंद नहीं है, अप्रैल ने अटैक कर दिया उस पर। तो भाई उस दिन तो इतने पंगे हुए ना गली में, मतलब मेरे को इतनी डांट पड़ी भाई, तुम्हारे कुत्ते को बांध के रखा करो, ये अटैक कर देगा किसी पे, ये कर देगा, किसी को काट खाएगा, तो तुम जिम्मेदारी लोगे क्या, बहुत कुछ सुनाया गया भाई मेरे को। बट ठीक है, वो सारी बातें हटाते हैं साइड में, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, है ना। ठीक है, मेरे को भी ध्यान नहीं था, और वो रैंप पे बैठा था छोटू हमारा भाई। फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ छोटू के साथ में, और आज की तारीख में छोटू कहाँ है, छोटू है वहीं पर ही जिसने उसको अडॉप्ट किया था। अभी वो उन्हीं के घर में रह रहा है, एक आश्रम टाइप बना रखा है उन्होंने, ओल्ड एज आश्रम, तो वो उनके साथ में रहता है, और वहाँ पे एक दो डॉग और रख लिए उन्होंने, तो अभी वो थोड़ी ठीक लाइफ स्पेंड कर रहा है अपनी, है ना। तो अब कभी अगर वो आता है, या फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है, या फिर वो भाग के आ जाता है, या फिर वो रह नहीं पाता ना, तो मैं उसको अडॉप्शन के लिए डालूंगा। और आप में से जो भी उसको लेना चाहेगा ना, प्लीज़ यार उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना, बहुत ही अच्छा डॉग ही है, बहुत ही इनोसेंट है, और किसी को बाइट नहीं करता, और बहुत ही सीधा है, रखवाली करेगा, गार्ड डॉग है वो एक तरीके का, ये मान के चलो। तो यार छोटू की एक ऐसी छोटी सी कहानी थी, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, परिवार नहीं बन पाया उसका, ठीक है, उसने कभी मतलब उसने अपने पपीज नहीं देखे कभी, तो वो थोड़ा छोटा भी रह गया था हाइट में, तो वो डोमिनेट नहीं कर पाता था किसी डॉग के ऊपर, या किसी डॉग को मतलब अपनी टेरिटरी में आने से रोक नहीं पाता था, तो वो बेचारा बच्चा बहुत सीधा था, और उसके साथ यही हुआ। और ऐसा बहुत ही हज़ारों स्ट्रीट डॉग के साथ होता है यार, काफ़ी सारे डॉग्स के साथ होती है, इससे भी बुरी बुरी चीज़ें देखते हैं डॉग्स, किसी का पैर नहीं होता, किसी के हाथ नहीं होते, तो वो इंजरी के कारण उनके साथ हो जाता है। बट भाई वो जो सीन था ना, वो 5 पपीज जो कार वाले ने दबाए थे, और वो एक जो बच्चा हमारा छोटू निकल के आ गया था वहाँ से, वो सीन भाई सही में मिराकल से कम नहीं था मेरे लिए। तो यार देखो, मैं बहुत सारे सिनेमैटिक्स तो नहीं डाल पाया वीडियो में, और या फिर मैं मतलब ऐसा बहुत एंटरटेनिंग तो नहीं बना पाया, बट एक रियल स्टोरी थी जो मेरे को आप लोगों से शेयर करनी थी छोटू के बारे में, हमारे इंडियन स्ट्रीट डॉग के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में आपको बताना था कि कैसे स्ट्रीट डॉग्स अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है आज इस स्टोरी के थ्रू। तो भाई अगर आपको अच्छी लगती है स्टोरी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप वहाँ पे पुट अप कर सकते हो। और भाई इस वीडियो पे छोटू के लिए मेरे को 1000 लाइक्स करवा दो आप, ओनली फॉर छोटू, ठीक है, मेरे लिए नहीं, छोटू के लिए, है ना। और अभी जो गिफ्ट था ना आप लोगों के लिए, जो सरप्राइज़ था, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, चलो सरप्राइज़ दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारे छोटे लड्डू मियाँ, लड्डू के प्यारे से छोटे से नन्हे मुन्ने से पपी। तो ये लड्डू से जो एक फ़ीमेल मैट हुई थी, उसका छोटा सा पपी है, देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पपी है ये, एकदम डिट्टो लड्डू की टू कॉपी है ये भाई, और काफ़ी अच्छा कोट है इसका, और हेड भी देख सकते हो, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पपी है, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का निकला है ये। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक इतनी बड़ी वीडियो के बाद में सरप्राइज़, चलो इसको अच्छे से दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारे लड्डू मियाँ के छोटे पपी, है ना, इनकी आइज़ देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लड्डू जैसी आँखें हैं भाई इसकी, और काफ़ी अच्छा पपी है, लॉन्ग कोट अच्छी क्वालिटी का, है ना, लड्डू जैसा ही किया है हमारा। इसको यहाँ पर बैठाते हैं और भाई फिर देखते हैं, देखो भाई कितना अच्छा कोट है इसका, थिक फर है, और भाई बिल्कुल भी नहीं डरता, देखना अभी यहाँ से कूद जाएगा, लो भाई इसको बिल्कुल डर नहीं लगता भाई,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ छुटकू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुष्पा का भाई है भाई है। अच्छा कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे छोटू? ये देखो भाई, हमारा छुटकू राम। तो भाई ये पपी अगर जिसको भी चाहिए हो तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो इस पपी के लिए। और अकॉर्डिंग टू मेल और लॉन्ग कोट डॉग, ये काफ़ी नॉमिनल प्राइस में, ठीक ठाक प्राइस में मिल जाएगा आपको भाई। अजमेर राजस्थान में अवेलेबल है पपी। तो भाई जिसको भी चाहिए हो फटाफट से इंक्वायरी करो, ऐसा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली भाई कहीं पे भी।